एक थीम आया कि नहीं चलो कुरकुरे लटका देते हैं, खिलौना टॉयज लटका देते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो शांति बनाए रखें और उनको लालसा लगे थोड़ा खिलौना का, उस बहाने पूजा में शांति हो बच्चे उनको दे भी दिया जाए। बेशक आपने सजावट अलग अलग तरीके की देखी होगी, कहीं फूलों की सजावट की जाती है, कहीं आर्टिफिशियल फूल, तरह तरह की चीज़ें लगाई जाती है, लेकिन ये सजावट बिल्कुल अद्भुत है जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं। ये माँ दुर्गा के पंडाल की सजावट, जहाँ पर कुरकुरे और चिप्स की सजावट है, ना केवल ये बल्कि कोल्ड ड्रिंक्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। हर तरह के कोल्ड ड्रिंक्स की सजावट की गई है, छोटे छोटे बैट बॉल की भी सजावट है। इसके पीछे का मकसद ये रखा गया है कि जब छोटे बच्चे आएंगे तो विसर्जन के बाद यही चिप्स कुरकुरे उन्हें दे दी जाएगी, ये कोल्ड ड्रिंक उन्हें दे दिया जाएगा, छोटा छोटा बैट बॉल दे दिया जाएगा। और ये देखिए आपको बारबी डॉल भी आपको दिखाई दे रही होगी। आपको याद होगा कि जब छोटे बच्चे अभी भी जब मेले में जाते हैं या फिर हम कभी मेले जाते थे तो हमारा ये मेले का सबसे खास गिफ्ट रहा करता था, या फिर यही खास चीज़ हम खरीदते थे मेले से, जिसमें चिप्स कुरकुरे बैट बॉल बारबी डॉल या इसके अलावा ये छोटे छोटे झुनझुने आपको दिखाई दे रहे होंगे। बिस्लेरी पानी की भी व्यवस्था की गई है, देखिए पानी की भी सजावट आपको दिखाई दे रही होगी जो कि देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। ये नज़ारा हम आपको दिन का नज़ारा दिखा रहे हैं, लेकिन यही जब शाम में आएंगे तो लाइट के साथ ये और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगा। सप्तमी में आज माँ कालरात्रि की पूजा हो रही है जो कि माँ पार्वती का रौद्र रूप है। ये आपको बेहद खूबसूरत डोली दिखाई दे रहा होगा, इस बार माता डोली पर ही आई है और यहाँ पर एक खूबसूरत सा डोली बनाया गया है जो देखने में बहुत खूबसूरत है। माता इसी में आई है और विजयादशमी के दिन चली भी जाएंगी। सजावट बेहद खूबसूरत है। अभी हालांकि पूजा नहीं हुआ है, पूजा के बाद पट खुलेगा और तब आप माता के दर्शन कर पाएंगे, लेकिन ख़ास तौर पर आज हम आपको राजधानी पटना के अलग अलग जगहों का सजावट दिखाने के लिए आए हैं, जो सजावट मन को मोह लेने वाला है। इतना अद्भुत नज़ारा है जो देखने में बेहद ज़्यादा खूबसूरत है। अभी जो हम आपको सजावट दिखा रहे थे, माता का पंडाल दिखा रहे थे, ये दरअसल उत्तरी आनंदपुरी का नज़ारा है। मेरे साथ गुड्डू जी हैं, ये हमको बताएंगे कि क्या थीम है, इसके पीछे का मकसद क्या है। देखिए थीम है कि जब बच्चे लोग यहाँ आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो चूंकि नन्हे नन्हे अभी इन लोग बच्चे हैं, इनको ये पता नहीं कि माता का क्या स्वरूप है कैसे, बस इतना जानते हैं कि माता का पूजा है, उनका ध्यान नहीं रहता है कि यहाँ पे क्या और व्यवस्था है। तो बच्चे का मन को खुश रख सकें और थोड़ा सा दर्शक भी देख सके कि बच्चों के लिए क्या किया, तो यही एक थीम आया कि नहीं चलो कुरकुरे लटका देते हैं, खिलौना टॉयज लटका देते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो शांति बनाए रखें और उनको लालसा लगे थोड़ा खिलौने का, उस बहाने पूजा में शांति हो, बच्चे उनको दे भी दिया जाए। बच्चे जब आते होंगे तो उनका तो मन होता होगा सब उखाड़ उखाड़ के ले जाएंगे। हाँ, लेकिन अभी समझते हैं कि आज जैसे सप्तमी है, आज पट खुलेगा तो जानते हैं लोग कि 3 दिन बाद हमें ज़रूर मिलेगा, तो शांति से रहते हैं, देखते हैं बस, और जैसे ही पूजा खत्म हुआ तो तोड़ के हम लोग उन लोग को दे देंगे, यही है। और माँ भवानी व्यवसायिक संघ है और लगभग 20 साल से हम लोग ये पूजा का आयोजन करते आ रहे हैं। डोली हम लोग बनाए, ये डोली हम आप लोग अपने से बनाए, खुद बनाया हुआ है। यात्रा निकलता है, आज निकला था यात्रा, एक विध होता है जिसमें हम लोग बेल के पेड़ में वो बेल से एक करके शगुन करके माँ को वहाँ छोड़ दिया जाता है। दिन फिर कल आज और कल और आज हम लोग गए उनको फिर विदा करा के वहाँ से ले आए माँ को। इस डोली यात्रा में 51 कुमारी कन्या और जो हमारे नगर के जो सहयोगी हैं वो लोग भी हम लोग गए और बुद्धा कॉलोनी में बैर के गाछ के नीचे, बेल के गाछ के नीचे से पूजा होता है, 2 जुड़वा बेल लिया जाता है तब माँ का उसी से आँख आज पट खोली जाएगी। देखिए अभी पूजा होगी और उसके बाद पट खुलेगा, माता के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन हम आपको सजावट दिखा रहे थे कि कितनी खूबसूरत सजावट है। राजधानी पटना के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग थीम पर सजावट की जाती है ताकि जो बन पाए उनसे जितना खूबसूरत वो बना पाए उतना खूबसूरत पंडाल बनाए। खास बात जी, प्रथा यहाँ पे बहुत कम है, ये जो डोली माँ का बनाया गया तो डोली ले जाना, और ऐसे लोग नॉर्मली चले जाते हैं बिना डोली के साथ, लेकिन ये प्रथा बहुत जगह पर माता डोली पर ही आई है। हाँ आई तो है, लेकिन ये एक अलग हम लोग करके रखे हैं कि चलो माता का विध कर और माता को ले आए और ले आए वहाँ से, ले आए डोली पर ही लाना है। और बहुत सारी भीड़ थी, बहुत महिलाएं थी, बहुत बच्ची लोग थी, बेटी लोग, बहुत सारे लोग आए थे, बहुत अच्छा लगा यात्रा में।
नमस्कार, समस्त देशवासियों एवं समस्त बिहार वासियों को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका भाई रवि नारायण सिंह RPIA प्रदेश अध्यक्ष आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता है और माता रानी आप सभी के जीवन में अपनी ऐसी ही असीम कृपा बनाए रखें, यही मंगल कामना करता है। प्रणाम। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।